The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar dosto, baat kar rahe hain hum blood sugar ki. Khoon ke agar andar aapke sugar yani glucose zyada hai to aapko kya symptom, kya sign, kya लक्षण होंगे जिससे आपको पता चलेगा. याद रखिए, ब्लड शुगर हाई होने को डायबिटीज मलाइटस कहते हैं, या टाइप 1, टाइप 2, कोई भी टाइप की हो, बहुत सारे और भी टाइप हैं बाय द वे, बट देन अल्टीमेटली ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा हो जाती है. अल्टीमेटली शुगर आपके लिए एक एनर्जी का सोर्स है जो आपके मसल्स, आपके टिश्यू को एनर्जी देता है, ब्रेन को फ्यूल देता है. लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर हो, नमक हो, कुछ भी हो, आपके ब्लड को, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा. अल्टीमेटली आपके शुगर ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, आपके इंसुलिन लेवल ज़्यादा, इंसुलिन का काम है शुगर को सेल्स में डालना. अब क्या हो जाता है, धीरे धीरे जब शुगर ज़्यादा है, इसका मतलब या तो इंसुलिन है नहीं या तो इंसुलिन रेजिस्टेंट है. बेसिक चीज़ है, या तो चाबी है नहीं या चाबी काम नहीं कर रही. अगर मान लो आपकी चाबी है और काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब, दोनों में कोई भी बात हो, बेसिक चीज़ है कि शुगर जो है, जितनी भी आप खा रहे हो, ज़्यादातर खून ही में घूम रही है. सेल्स यानी आपके अंदर जो सेल्स हैं, जो गरीब सेल्स हैं, जो बैठे हैं कि हमें कुछ खाने को मिले, उनको खाने को नहीं मिल रहा. तो उनको खाने को नहीं मिल रहा तो उनको क्या, भूख लगेगी. तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम हंगर. इसलिए जिसको शुगर है उसको भूख लगती रहती है. दैट इज़ कॉल्ड पॉलीफेजिया, ज़्यादा खाना खाना, उनको ज़्यादा खाना खाने का मन करता है. सो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन है सैलेड. जितना ज़्यादा सैलेड खाओ उतना अच्छा है, बिकॉज दे डोंट हैव सो मच ऑफ शुगर. बट देन कौन रोकेगा उनको, ब्रेड्स और ये और वो कार्बोहाइड्रेट खा के वो अपनी ऐसी तैसी करते हैं. सो आप रोक सकते हो, रोको, हम तो बहुत कोशिश कर ली. एनीवेज, फर्स्ट सिम्टम पॉलीफेजिया. सेकेंड सिम्टम है, क्योंकि खून में ही शुगर इतनी घूम रही है, तो शुगर जो होती है खून को कर देती है गाढ़ा, चाशनी वाला. तो खून में नमक ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, खून क्या करता है, खून डाइल्यूट करने की कोशिश करता है, उसको पेशाब के थ्रू निकालने की कोशिश करता है. तो पेशाब ज़्यादा निकालेगा तो पानी की कमी हो जाएगी, पेशाब भी ज़्यादा आएगा. वो कहते हैं पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा पेशाब आना, खचक खचक खचक, और फिर पेशाब ज़्यादा आने, खून में शुगर ज़्यादा, प्यास भी ज़्यादा लगती है. पॉलीडिप्सिया, प्यास ज़्यादा, इंक्रीज्ड थर्स्ट, इंक्रीज्ड यूरिन, इंक्रीज्ड भूख, हंगर ज़्यादा. दिस इज़ व्हाट हैपेंस. प्लस सोचो, यही चीज़ लंबे समय तक हो रही है तो आपके बॉडी को अल्टीमेटली एनर्जी नहीं मिल रही, अंदर ही नहीं जा रही, खून में ही है, सेल्स को नहीं मिल रही, तो सेल्स भूखे मर रहे हैं. तो अल्टीमेटली सेल्स जो हैं स्टोर्ड अपनी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे में आपका वेट लॉस होगा. तो ऐसे में क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. अब दूसरा सिनेरियो, ऐसे ही पेशेंट इंसुलिन ले ले, दवाइयाँ ले ले, शुगर की दवाइयाँ ले ले, तो क्या होगा, ज़बरदस्ती आप वो शुगर को अंदर डाल रहे हो, तो क्या होगा, वो अंदर जा जाके एक्स्ट्रा शुगर अंदर जा जाके फैट बनाएगी, तो क्या होगा, वेट गेन. सो दोनों हो सकते हैं, वेट लॉस एंड वेट गेन, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन. ज़्यादातर विदाउट ट्रीटमेंट वेट लॉस होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. और बिकॉज वहाँ पे एनर्जी नहीं है तो आपको थकावट होगी, फटीग होगी, या एनर्जी नहीं है तो इरिटेबिलिटी होगी, आपके दिमाग को नहीं मिलेगा, आइज को नहीं मिलेगा, तो ब्लर्ड विजन होगा, खून में शुगर ज़्यादा होगी तो हीलिंग स्लो हो जाएगी, स्लो हीलिंग हो जाएगी, और इन्फेक्शन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो जाएंगे. देखा ही है, जिनको शुगर होती है घाव नहीं भरते, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं. स्किन, गम्स, वजाइनल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं. और बॉडी के अंदर क्या होता है, बिकॉज फैट मेटाबॉलिज्म होता है, शुगर नहीं जा रही अंदर तो फैट यूज़ होगा, फैट यूज़ होगा तो कीटोन्स बनेंगे, कीटोन्स ज़्यादा बनेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी आएंगे, तो पेशेंट कैन लैंड अप इनटू कीटोन कीटोसिस, दैट इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ज़्यादा खतरनाक होता है. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक शुगर के पेशेंट में. तो अगर आप ये सारे सिम्टम देख रहे हैं तो अपनी शुगर लेवल चेक कराइए, जैसे मर्जी कराइए, अपना घर पे करिए चाहे लैब जाके करिए, और 3 महीने का एवरेज शुगर ज़रूर चेक करिए, HbA1c, उससे पता चलेगा आप डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, कौन से स्टेज पे हो. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट शुगर सिम्टम्स. आई होप यू अंडरस्टूड. और जानकारी के लिए हमारे शुगर के पूरी सीरीज भरी पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, ब्लड शुगर या डायबिटीज़ बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके देख लीजिएगा. और थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.